एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मेलोनी की पहली भारत यात्रा पर मैं उनका और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वर्ष के चुनावों में इटली के नागरिकों ने उन्हें प्रथम महिला एवं सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मैं उन्हें सभी भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही बाली में G20 समिट के दौरान हमारी पहली बैठक हुई थी। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और बहुत ही उपयोगी रही। इस वर्ष भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने भारत इटली साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा आज हम कर रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, एक और क्षेत्र है जो दोनों देश एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो है रक्षा सहयोग का। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट के अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से ज्वाइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कोर्सेज आयोजित करने का भी निर्णय लिया। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इटली कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमने इस सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की।